अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप लोगों ने रेड वेलवेट कपकेक्स तो सुना होगा और बनाया भी होगा, आज हम पिंक वेलवेट कपकेक्स बनाएंगे, ठीक है। और हम बनाएंगे आज कीमा पुलाव, वेरी वेरी सिंपल। बीफ का कीमा ले लें, चिकन का ले लें, मटन का ले लें। मैंने बीफ का कीमा लिया है, मसाले हैं थोड़े से, चावल हैं, आलू हैं। ओके, सबसे पहले वी हैव टू टेक 3/4 कप दूध, ये थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको हमने करना है, बटर मिल्क बनाना है। उसके लिए मेरे पास यहाँ है सिरका आज, ठीक है। थोड़ा सा सिरका आप डालेंगे इसके अंदर और इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ मेरे पास तेल है, दही है, एगलेस है ये, ठीक है, कपकेक्स। सो तेल है, दही है, चीनी है पिसी हुई, और मैदा है, बेकिंग सोडा है, और बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे, जस्ट फॉर अ लिटिल टेस्ट। ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, वो पिंक कलर नहीं आएगा। फिर पिंक कलर है हमारे पास, वेनिला एसेंस है, ये सब कुछ चला जाएगा। कपकेक्स हम बना लेंगे, यहाँ कपकेक का टिन हमने रेडी करके रख दिया है, कपकेक के केसेस भी यहाँ रेडी हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है केसेस तो आप इसमें डायरेक्टली भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह आपने ग्रीस करना होता है मैदे के साथ। आप उसको डस्ट करिएगा फिर बनाइएगा, पास वक्त वो निकलते वक्त टूट जाते हैं, सो दैट्स वाई ये बेस्ट है। आराम से ये भी साफ़ रहेगा, इसमें आराम से आप निकाल के इसी में आप सर्व करें। एंड द नेक्स्ट रूल फॉर बेकिंग इज़ के अवन को आपने प्री हीट करना है, ठीक है। अवन प्री हीट किया करना बहुत ज़रूरी है, मिडल में शेल्फ होना चाहिए, सेंटर में यहाँ, और आपने इसको सिर्फ नीचे का मैंने किया है, और ये फ़ैन है। नहीं है आपके पास ये सारे फंक्शंस आपके अवन में तो परेशान नहीं होइएगा, कोई बात नहीं। हम नॉर्मली जो गैस वाले अवन होते हैं बस नीचे का ही हम ऑन करते हैं। सो ये थोड़ा हमने बटर मिल्क बनाने के लिए रख दिया है, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम बेक करने रख देंगे, ठीक है। वो हम पहले कर देते हैं ताकि ठंडा हो जाए और फिर हम उसको आइस भी कर सकें। सो लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर और उसको आप फौरन बेक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, चीनी है, तेल है, कुछ कपकेक्स तेल से बनते हैं, रेड वेलवेट, पिंक वेलवेट हमेशा तेल से ही बनाती हूँ मैं। और ये तो एगलेस है, इसकी जगह हम अंडे की जगह हम दही डाल रहे हैं। फिर मैदा है, स्पैचुला से अच्छी तरह सारा कुछ निकालिए, सोडा है और कोको पाउडर, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, और ये पिंक कलर की जो बोतल है ना, इसको मैं बहुत संभाल के खोलूँगी वरना मेरे पूरे हाथों पे कलर आ जाता है। सो Let me just mix everything together. इसमें आप ये बटर मिल्क डालेंगे, दूध और सिरका, ठीक है, ये थोड़ा सा जाएगा, फिर हम इसमें कलर डालेंगे। बेकिंग करने से पहले जब आप कलर डालेंगे ना, तो हमेशा थोड़ा सा डार्कर कलर डाला करें, बिकॉज बेकिंग के वक्त ना ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, दैट्स इनफ, इसको निकालते हैं और हम इसको बेक करने रख देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा दूध इस्तेमाल नहीं किया था, वरना क्या होता, सारा दूध वो जो हमने बटर मिल्क बना दिया था वो पूरा का पूरा फिर वेस्ट हो जाता है। सो इसको हम अंदर रखना शुरू कर देते हैं। स्कूप ले रहे हैं, एनीथिंग यू हैव, आसानी से इससे ना आप भर सकते हैं, गंदा नहीं होता है वरना हर जगह गिर जाता है। और आपने देखा मैंने कम कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसी से ये पिंक भी रहा है, वरना ज़्यादा कोको डाल देंगे तो जैसे रेड वेलवेट में मसले होते हैं। ये मैं यहाँ रखूँ, ठीक है, अब नज़र आ रहा है।
फिर जैसे ही अवन में चले जाएंगे मैं बनाना शुरू कर दूंगी हमारा फ्रॉस्टिंग। पूरा नहीं भर सक रही मैं, इससे करते हैं। कहीं कम लग रहा हो तो उसमें डाल दिया करें और बस फिर आप इसको बेक करने रख दीजिए, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इसको निकाल देंगे, इस बैटर से नौ ही बने। चलिए ठीक है, हम क्लीन अप करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, बीटर्स धोते हैं, आके हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, फिर कीमा पुलाव बनाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। पिंक वेलवेट कप केक्स, अच्छा, दूध एक चौथाई कप, सिरका एक खाने का चमचा, कास्टर शुगर आधा कप, तेल एक चौथाई कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दही दो खाने के चमचे, मैदा तीन चौथाई कप, कोको पाउडर एक चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, पिंक फूड कलर एक खाने का चमचा। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ एक कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, वनीला एसेंस एक चौथाई चाय का चमचा, आइसिंग शुगर डेढ़ कप, हार्ट स्प्रिंकल्स टॉपिंग के लिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। बना चुके हैं हम पिंक वेलवेट कपकेक्स, उसकी फ्रॉस्टिंग बाकी है, ठीक है, और अभी बेक हो रहे हैं। यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन, अच्छे से राइज हुए हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूं कि कपकेक के केसेस में अब जब भी कपकेक का बैटर भरें तीन चौथाई ही भरा करें, ठीक है, ज़्यादा पूरा नहीं भरा करें। तीन चौथाई कप मैंने दूध लिया था, उसमें मैंने एक टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल के उसको आपने फाड़ देना है, ठीक है। फिर आपने आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी लेनी है, एक चौथाई कप तेल लेना है, आधा टीस्पून वेनिला एसेंस था, दो चमचे इसमें दही के गए थे इन प्लेस ऑफ एग, एगलेस हैं ये, ठीक है। एक चौथाई कप मैदा था, एक टीस्पून सिर्फ डालिएगा कोको पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा था, एक टेबलस्पून भर के हमने पिंक फूड कलर डाला था। सारी चीज़ों को मिक्स करके बीट करके अवन में रख दीजिएगा बेक होने के लिए, राइज हो जाए, बन जाए, निकाल दीजिएगा स्कूअर डाल के टेस्ट करके। एक कप क्रीम चीज़ यहाँ हमने लिया है, आधा कप पिकान सॉल्टेड मक्खन है, दो कप हमारे पास पिसी हुई आइसिंग शुगर है, इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस और इसका हम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बना के रेडी करके रख देंगे। रेड वेलवेट हो, पिंक वेलवेट हो, व्हाटएवर वेलवेट वाले कपकेक्स में हम हमेशा इस तरह का बटर क्रीम चीज़ वाला फ्रॉस्टिंग डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन प्लेन बहुत ब्लांड लगेगा, ये अच्छा लगेगा। हार्ट्स है मेरे पास, यहाँ कुछ पिंक स्प्रिंकल्स हैं, उसको डालेंगे ऊपर और डेकोरेट कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मक्खन को आपने सबसे पहले इसमें डाल के बीट करना है और इसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ मैंने वो ब्रिक वाला लिया हुआ है, टब वाला जो आता है, बिकॉज क्रीम चीज़ बॉटल वाला जो है वो उस तरह फ्रॉस्टिंग को होल्ड नहीं करेगा। एक हमारी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, फरमाइए। बस मैंने टीवी अभी अभी ऑन करा था, पता नहीं क्या आपने देख करा, वो तो मैं रिपीट में करूँगी। हाँ, तो आपने कपकेक का वो मिस कर दिया, तो रात में रिपीट में देख लीजिएगा। मैंने अभी रिकैप भी किया है, ठीक है, अगर आपने सुना हो तो मैंने रिकैप भी कर लिया है, दोबारा आपके लिए रिकैप भी करेंगे, बीच में रेसिपी कार्ड्स भी चलेंगे, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू, और कुछ कहना है? नहीं, बस यही कहना था कि बस आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने हल्का सा बीट कर दिया। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग को लोग बहुत ओवर बीट करके पतला कर देते हैं, रनी हो जाता है, सो मेक श्योर आप ओवर बीट नहीं करें। फ्रॉस्टिंग में हमेशा याद रखिएगा मक्खन और क्रीम चीज़ फ्रिज में से निकाल के रखिएगा, ठीक है। मक्खन और क्रीम चीज़ फ्रिज में से निकला हुआ हो, एकदम ठंडा नहीं हो, सॉफ्ट होगा, जल्दी बीट कर लेंगे आप। वेनिला एसेंस चला गया, मक्खन डाल दिया मैंने और वो मैंने डाल दिया आइसिंग शुगर और हमने डाला उसमें क्रीम चीज़। बस ठीक है, पूरा क्रीम चीज़ चला, पूरा आइसिंग शुगर चला गया,
सब कुछ चला गया, अब आपने इसको बीट करके फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद निकालेंगे, पाइपिंग बैग में भरेंगे, पाइपिंग बैग में नोजल होगी और उसके ऊपर हम पाइप कर देंगे। सो कपकेक्स देखें कितने अच्छे राइज हो गए हमारे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि ज़्यादा उस वक्त लग रहा था कि पिंक कलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बेक होता है कलर थोड़ा कम लगता है फिर, तो इसलिए बिकॉज वी वॉन्टेड पिंक कलर टुडे, सो थोड़ा हालांकि ये तो रेडी हो गया है। इसके नीचे मैं ये रख देती हूँ इन केस आई नीड टू बीट इट मोर। थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और चेक कर लेते हैं अवन को खोल के भी, इन केस दिस इज डन, इसको भी निकाल देते हैं। जस्ट अनदर मिनट और सो और बस फिर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारे बीफ भी पकाना है, चावल पकाने हैं, आलू भी पकेगा इसमें। सो ये हम शुरू कर देते हैं अपना। सबसे पहले आप तेल लीजिए, चावल को अच्छी तरह साफ़ करके धो के भिगो के रख दीजिएगा, आलू को छोटे पीसेस में काट लीजिएगा, बीफ या चिकन या मटन का कीमा लीजिएगा, मैंने बीफ का लिया है, ठीक है। और प्याज है यहाँ, लाल मिर्चों का पाउडर है, अदरक लहसुन है, नमक है, काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी ग्रीन चटनी आप डालेंगे, बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। एंड साबुत गर्म मसाला जिसमें यहाँ तेज़पत्ता है, दालचीनी की स्टिक है, ये मेस है, जावित्री इस तरह की होती है, ठीक है, ये मेस है, और बड़ी वाली इलायची है, और ज़ीरा है इसमें, लौंग है, सब कुछ मिक्स करके इसमें रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, प्याज। आप इसके साथ एक वेरिएशन भी कर सकते हैं, आपके पास घर में काले मसूर पके हुए हों और बचे हुए हों फ्रिज में पड़े हों, उसको भी आप साथ में लेयर कर सकते हैं। फिर चावल और कीमा और अगेन चावल एंड दाल इस तरह भी करके फिर फ्रिज में अवन में रख सकते हैं, उसको आप बेक कर सकते हैं, सर्व करने से पहले उसमें अवन में गर्म कर सकते हैं, कैसरोल टाइप भी बना सकते हैं। सो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आप देसी खानों के साथ भी इस तरह खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको बताती चलूँ कि अब इसमें क्या क्या एग्जैक्ट अज्जा हैं। देखिए सो चावल है 1 कप 1.5 कप जितने मैंने चावल लिए थे, तेल है 1, प्याज बड़ी स्लाइस की हुई है, अदरक और लहसुन 1.5 चम्मच है, मिंस करके रख दीजिएगा, ताज़ा मेरे घर का बिल्कुल ताज़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा दिनों का होता ही नहीं है। 300-400 ग्राम आप ले लीजिएगा बीफ का या मटन का कीमा, 1 आलू को क्यूब में कर दिया है, काली मिर्चें हैं, नमक है और तेज़पत्ता है, ज़ीरा है साबुत, लौंग है, काली मिर्चें हैं, काली इलायची है, ब्लैक कार्डमम बड़ी वाली, और ये कश्मीरी लाल मिर्चें भी इसमें जाएंगी फॉर अ नाइस कलर, और मेस है और दालचीनी है। मेमुना है रीजी खान से, उनसे बात करते हैं अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सब ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। बहुत प्यारी लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये आप रेसिपी भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। जी जी, बहुत सिंपल खाना है, बहुत सिंपल रेसिपीज होती है मेरी, जरूर ट्राई करिएगा। जी जी, बनाती रहती हूँ, और आप एक फरमाइश भी की चीजें की, तो फिर आप कब पूरी करेंगी? जी पिज्जा मुझे याद है, मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, ठीक है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, पूछिए बहुत अच्छी है, अल्लाह हम इंशाल्लाह तुम्हें भी तरक्की समझा भी आता फरमाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। पिज्ज़ा का डो का बस ये मसला होता है कि एक्चुअल जो पिज्ज़ा का कमाल है और जो एक्चुअल बात है पिज्ज़ा की, उसके टॉपिंग्स में नहीं, इसके डो में है। और 1 घंटे के शो में आप पिज्ज़ा लोग बनाते हैं घर से, बना के आप लेके आओ फिर आप दिखाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको डो जिस तरह बनाना है वही बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिज्ज़ाज बहुत बनाए हैं लेकिन आप लोग बार बार फरमाइश करते हैं, तो पिज़्ज़ा का ये है कि डो अच्छा बनाएं, आपका खमीर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी, क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ओके, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। ओके हेलो, हेलो हेलो जी, हेलो फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा जरना केक तो आपका शो बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा सिखाती हैं। थैंक यू जी, फरमाइए। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, और आई एम श्योर काफी लेडीज जो हैं शायद उनका ये सेम मसला हो। जो लेडीज बाहर जा रही हैं, दे आर मूविंग अब्रॉड, और उनके पास एक लिमिटेड लगेज होता है, तो उसमें कौन से ऐसे मसाले हैं, उनको खुद भी कुकिंग करनी होती है, तो कौन से मसाले आप 5 या 6 मसाले जो हमारे क्विजीन के बेसिक हैं वो आप रिकमेंड करेंगी कि वो अपने साथ ले जाएं, ताकि उनको वहाँ पे थोड़ी आसानी रहे। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ जा रही है जिसमें मसाले नहीं मिलते हैं? अब 70s में 60s में जाते थे लोग, उस वक्त मसाले लेके जाते थे, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लाल मिर्चों का। अब तो दुनिया के कहीं भी जाए आप, आई थिंक चांद पे भी पाकिस्तानी मसाले मिल जाएंगे, हर जगह मिलते हैं भाई। नहीं मसाले मिक्सेज वाले नहीं, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। बेसिक मसाले लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, जीरा हर जगह मिलता है। ओके, कहाँ जा रहे हैं तो बताएं। मैं चाइना, तो वहाँ चाइना में पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, चाइना में स्टोर्स हैं, मैं जानने वाली एक गई है अभी, वो चाइना में वहाँ एम्बेसी में उनका अपना एक स्टोर है, वो जाके वहाँ से लेती है। ओके, वहाँ के रहने वालों के साथ घुल मिल जाइए ना, वहाँ जो हमारी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी सेंटर जाइए, पाकिस्तानियों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, हलाल फूड कहाँ मिलता है, गोश्त कहाँ से लेना होता है। ये थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, लेकिन हर चीज़ हर जगह अब हर चीज़ मिल रही है। कितना उठा के लेके जाएंगी, 6 महीने का, 1 साल का? नहीं ना, फिर क्या करेंगी? तो फिर आप वहाँ जाके अपने आप को सेटल करें, और फिर उसके बाद आप वहाँ जाके जब व्हेन यू विल मेक फ्रेंड्स, जब आप बात करेंगी तो हो जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ से क्या लेना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, खुदा हाफिज़। प्याज हमारी हो गई थी, तब तक हमने साबुत गर्म मसाला डाल देना है, और मैंने बातों करने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। सब कुछ हर जगह मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। चलिए ये मैं डाल देती हूँ, एक चीज़ मैं और भी डाल देती हूँ, मैं इसमें ना आलू डाल देती हूँ, कभी कभार आजकल बाज़ वक्त ना आलू सही तरह गले हुए नहीं होते हैं फिर खानों में, सो ये डाल देते हैं, उसको हम ज़रा पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग लीजिए ब्रेक, हम क्लीन अप करते हैं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। पिंक वेलवेट कप केक्स, अरसा, दूध 1/4 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, कास्टर्ड शुगर 1/2 कप, तेल 1/4 कप, वनीला एसेंस 1/2 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/2 चाय का चमचा, पिंक फूड कलर 1 खाने का चमचा, फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज 1 कप, अनसॉल्टेड बटर 1/2 कप, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1/2 कप, हार्ट स्प्रिंकल्स टॉपिंग के लिए। जी वेलकम बैक। देखें आलू को मैंने डाल दिया था, प्याज हमने तेल में ब्राउन किया था, गरम मसाला डाल दिया था, कलर देखिएगा अब, फॉर वेरी नाइस कलर यू विल ऐड अ फ्यू कश्मीरी लाल मिर्चें। ठीक है, अब आप इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और अदरक लहसुन, एंड ऑफ कोर्स आ कीमा। कीमा आपने ब्रेक करना है, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, और नमक मुझे डालना है। कपकेक्स ठंडे करने मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, क्या करूं मैं, आई हैव टू ना, और उसके साथ साथ जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाया था वो भी फ्रिज में, आप लोग उसको रूम टेम्परेचर पे ही बाहर ही करिएगा प्लीज़। ठीक है, मैंने तो इसलिए किया है बिकॉज जल्दी जल्दी ये ठंडा हो तो फिर मैं उसको फ्रॉस्ट करूँ। अब आप कीमे को इस तरह तोड़ते जाइएगा, वरना क्या होगा कि अंदर से कीमा रेड रेड रहता है। उप्स, ये देखें अंदर से आपने इसको ऐसे तोड़ते जाना है। देखा आपने, और फिर आपने बहुत थोड़ा सा पानी डाल के फिर चावलों को इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह कीमा मसाला के साथ भून लीजिएगा, अदरक लहसुन के साथ, सैलड रायता हरी चटनी के साथ आप सर्व करिएगा इस कीमा पुलाव को। जहाँ भी आपको कीमा नज़र आए, ये देखें आप ब्रेक करेंगे ना तो आपको लगेगा अंदर से पिंक पिंक ही है,
नाउ यू वॉश योर राइस वेरी वेल और उसके साफ पानी के साथ आप चावलों को डाल दीजिए, ठीक है। पुलाव बनाते वक्त पानी पहले से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देते हैं, वरना फिर वो हलवा बन जाता है चावल। और इस तरह मिक्स करके आँच हल्की करके, पानी अभी मैं नहीं डालूंगी और एक्स्ट्रा, नो मोर वाटर, ठीक है। इसको ढाँक के हम रख देते हैं। अच्छा जी, रिकैप कर देती हूँ मैं। चावल थे, तेल था और प्याज है स्लाइस किया हुआ, अदरक लहसुन है, बीफ या मटन का आप कीमा ले लीजिएगा, आलू है, नमक, काली मिर्चें हैं। और गरम मसाला में साबुत क्या क्या चीज़ें थी, तेज़पत्ता था, ज़ीरा साबुत था, काली मिर्चें, लौंग, कश्मीरी लाल वाली मिर्चें, आप सूखी वाली गोल वाली बटन रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं, काली वाली इलायची थी, मेस यानी जावित्री और दालचीनी। अब आप इसको पकने दीजिएगा और ये पक रहा है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं तब तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैं मुना बतून, मेरी ख्याल है आज हम आपको शो देख रहे हैं। अच्छा जी, चावल बना रही हैं आप? जी, चावल कीमा पुलाव। जी हम कल बनाएंगे जरूर, बहुत आसान है, जरूर बनाइएगा, आपको फीडबैक भी देंगे। थैंक यू, जरूर। और कुछ मिलते हैं, आपका शो देख रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिए, हमें फीडबैक दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज जी। एक दफ़ा चावल अच्छी तरह ऐसे उबाल आ जाए तो फिर आप उसकी आंच हल्की करके उसको दम पे छोड़ दीजिएगा। जी क्या, ब्रेक की तरफ चलते हैं, जरा क्लीन अप करते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कीमा पुलाव अज्जा, चावल एक कप, तेल चार खाने के चमचे, प्याज स्लाइस एक अदद, पिसी अदरक आधा खाने का चमचा, पिसा लहसुन एक खाने का चमचा, मटन या बीफ का कीमा 350 ग्राम, आलू क्यूब्स एक अदद, नमक एक चाय का चमचा, काली मिर्च एक चौथाई चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च हसबे जरूरत, हरी मिर्च हसबे जरूरत, होल स्पाइसेस के लिए तेज पत्ता एक अदद, जीरा एक चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 7 से 8 अदद, लौंग 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, खुश कश्मीरी मिर्च 3 से 4 अदद, जावित्री 2 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा। जी वेलकम बैक। यहाँ मैंने दम पे रख दिए हैं, चावल हमारे हो गए हैं, पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अच्छी क्वालिटी के चावल होंगे, बहुत जल्दी गल जाएंगे। ये देखें, देखा आपने। फिर सर्विंग से पहले आप बेशक कश्मीरी लाल मिर्चें निकाल दीजिएगा, जस्ट फॉर अ नाइस कलर एंड फ्लेवर मैंने डाला। ये देखें, अभी ये 3/4 डन है चावल, ठीक है। आई डोंट लाइक बहुत पिचक नरम चावल, थोड़ा ज़रा मुझे अच्छा पूरा ग्रेन पूरा साबुत नज़र आए। और जब आप चावल बॉयल करते हैं वैसे अलग से, तो इसमें अगर चंद कतरे आप डाल देंगे लेमन जूस के, तो कभी भी आपके चावल के जो ग्रेन्स हैं वो कभी चिपकेंगे नहीं, वो ऐसे ही हमेशा अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जस्ट लिटिल टिप मुझे याद आ जाती है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ आप लोगों के साथ। सो तवा नीचे रख दिया है। और एक और बात, जब भी आप लोग चावल को दम पे रखें, ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि एकदम हल्की आँच पर रखते हैं, पहले आँच तेज़ होगी, ठीक है। तेज़ आँच होगी जब आप यहाँ ऊपर लिड पे देख लेंगे कि यहाँ ऊपर पानी स्टीम बिल्डअप हो गई है, पानी आ गया है ऊपर, फिर आप उसकी आँच थोड़ी सी कम करिएगा, सही है। ओके, रेड या पिंक वेलवेट कपकेक्स आर रेडी, दे आर कोल्ड नाउ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रॉस्टिंग है वो हमने लेनी है एक पाइपिंग बैग में, और इसको आपने फ्रॉस्टिंग को ऊपर लगा देना है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसमें नीचे हमने यहाँ नोजल भी लगा दिया है, डीजी खान से हमारे एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आपकी रेसिपी है ना, मैंने खाला को ट्राई की थी, वो खाला मुझसे लड़ाई की हुई थी, फिर उनकी सुलह हो गई थी। आपकी रेसिपी इतनी अच्छी है, जो लोग है ना नाराज होते हैं, मैं उनको जाके आपकी रेसिपी से है ना, आपकी रेसिपी से बनाई हुई चीज दिखाता हूँ, वो है ना मुझसे मान जाती है, मैं क्या करूँ, मेरी खाला तो की लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होते हैं, कोई बचपन आते हैं उनकी लड़ाई मैं खत्म करना चाहता हूँ, इन दोनों ने पागल बनाया हुआ है मुझे।
मैं क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं आपको, क्या जवाब दूं मैं आपको कि आप मेरी रेसिपीज बना के लोग रूठे हुए लोगों को मनाते हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, कोई तो फ़ायदा हुआ फिर मेरा, है ना? छोटे छोटे हार्ट्स हैं ये मेरे पास, वो आप रख दीजिए। ये मिलते हैं आपको मार्केट में, इधर से ही मैंने लिए हैं। और आप देखें कि जब आप आइसिंग शुगर की मिकदार थोड़ी बढ़ा के हमेशा डालेंगे क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग में, तो वो ठहरेगा भी, वरना क्या होगा, वो बह जाएगा। ठीक है, जब आप बीट करें मक्खन को, क्रीम चीज़ को और आइसिंग शुगर को, और आपको लगे कि वो पतला हो रहा है, वो ठंडा होगा तब भी पतला होगा, ऐसे नहीं हम पाइप कर सकेंगे, तो एक कप ज़्यादा आप उसमें आइसिंग शुगर डाल सकते हैं। सो ये याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, चलिए जब तक मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ हाथ के साथ, एक रीकैप की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर शो, हमारा साथ दीजिएगा। आपने अगर कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो कीमा पुलाव हमारा रेडी है, हमारे कपकेक्स रेडी हैं, पिंक वेलवेट कपकेक्स, तो इसी तरह फिर आप नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में हमारी स्क्रीन से देख के। स्टे ट्यून्ड। पिंक वेलवेट कपकेक्स, अज्जा, दूध एक चौथाई कप, सिरका एक खाने का चमचा, कास्टर्ड शुगर आधा कप, तेल एक चौथाई कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दही दो खाने के चमचे, मैदा तीन चौथाई कप, कोको पाउडर एक चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, पिंक फूड कलर एक खाने का चमचा, फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ एक कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, वनीला एसेंस एक चौथाई चाय का चमचा, आइसिंग शुगर डेढ़ कप, हार्ट स्प्रिंकल्स टॉपिंग के लिए। तरकीब, तेल और कास्टर्ड शुगर को हल्का पीला कलर होने तक फेंटें, अब इसमें वनीला एसेंस और दही डालें, फिर पिंक कलर और बटर मिल्क डालकर मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा में फोल्ड करें। अब इसे हर कप केक में तीन चौथाई भरें और फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करके ठंडा होने रख दें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन और पनीर को फेंटें, अब वनीला एसेंस डालकर दोबारा फेंट लें, फिर छनी आइसिंग शुगर में बीट करें और फिर अच्छी तरह मिक्स करें। अब फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग में डालकर कोल्ड कप केक्स पर पाइप करें, फिर पिंक हार्ट्स या स्प्रिंकल्स के साथ डेकोरेट करें। कीमा पुलाव, अज्जा, चावल एक कप, तेल चार खाने के चमचे, प्याज स्लाइस एक अदद, पिसी अदरक आधा खाने का चमचा, पिसा लहसुन एक खाने का चमचा, मटन या बीफ का कीमा 350 ग्राम, आलू क्यूब्स एक अदद, नमक एक चाय का चमचा, काली मिर्च एक चौथाई चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च हसबे ज़रूरत, हरी मिर्च हसबे ज़रूरत, होल स्पाइसेस के लिए तेज पत्ता एक अदद, जीरा एक चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 7 से 8 अदद, लौंग 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, खुश कश्मीरी मिर्च 3 से 4 अदद, जावित्री 2 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा। तरकीब, तेल गरम करके होल स्पाइसेस डाल के 10 सेकंड भूनें, फिर इसमें प्याज डालकर गोल्डन होने दें। अब अदरक लहसुन पिसी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर सौते करें, फिर थोड़ा सा पानी और कीमा शामिल करें, उसके बाद नमक और काली मिर्च डालें, ब्राउन हो जाए तो आलू क्यूब्स डाल दें। आलू और गोश्त को एक साथ सौते कर लें, गोश्त और आलू गल जाएं तो पहले से भीगे चावल और नमक शामिल कर दें, साथ ही 2 कप गर्म पानी और नींबू का रस मिक्स करके ढककर दम दें, फिर चेक कर लें कि अगर पानी खुश्क हो तो ढककर चंद मिनट पुलाव को सेट होने दें। चंद मिनटों के बाद चावलों को आहिस्ता से मिलाकर तली प्याज और हरे धनिया से गार्निश करें, रायता और सलाद के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। पिंक वेलवेट कपकेक्स रेडी हैं और कीमा पुलाव भी रेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए जी, इट्स टाइम टू एंड माय शो, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, और अब कल मुलाकात होगी 3 से 4 में, लाइव हूँ सैटरडे संडे हफ्ता इतवार आपके साथ ऑन मसाला टीवी, तो ज़रूर देखिएगा। कल भी बहुत ही मज़ेदार से रस मलाई कपकेक्स हैं, आप सोचेंगे ये कैसे बनेंगे, तो आपको देखना है 3 बजे लाइव हमारा शो, और उसके साथ साथ मैं कल बनाऊँगी दाल, चने की दाल और आलू के साथ बन कबाब। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो, हमारा चैनल देखिए, दूसरे भी सारे लाइव शोज, रिकॉर्डेड शोज जरूर देखिएगा। तो चलिए दीजिए मुझे और टीम को इजाजत, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज।
Add some masala to your life.